नमस्कार जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार परम सुखदायक परमेश्वर का ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं और इसी सत्य ज्ञान को मानव समाज तक पहुंचाने के लिए उनके शिष्यों द्वारा जगह जगह पर सत्संग आयोजन किया जाता है। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी खबर। प्रत्येक मानव परमेश्वर की खोज में अनादि काल से लगा हुआ है, जिसके लिए वो अनेकों संतों के पास जाता है, तो कोई त्योहारों में देवी देवताओं की पूजा करके परमात्मा से लाभ चाहता है, तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघरों में परमात्मा की खोज में जाता है, लेकिन उसकी ये चाहत ना तो त्योहारों से पूरी हो पाती है, न मंदिर मस्जिद और ना ही नकली संतों से, क्योंकि सभी सदग्रंथ हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करने के लिए कहते हैं। मानव की इसी तलाश को पूरा कराने के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन बीते रविवार मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल असम ओडिशा राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में किया गया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन विदेशों में भी किया गया। सत्संग प्रवचनों में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 को दिखाते हुए बताया कि जिस अविनाशी परमेश्वर ने शब्द शक्ति से सर्व ब्रह्मांडों की रचना की तथा हमें अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, उनका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है, जो कि काशी नगर में सन 1398 में शिशु रूप में सशरीर प्रकट हुए थे और 120 वर्ष एक गरीब जुलाहे की लीला करते हुए मगहर से सन 1518 में सशरीर अपने निज धाम सतलोक चले गए थे और सामवेद मंत्र संख्या 359 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 के अनुसार यही कबीर परमेश्वर ही पूजा के योग्य है। इसी परमेश्वर की सद्भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त करने पर मानव को सर्व लाभ हो सकते हैं। आज दिवाली का त्योहार है, भारत में हमारे हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और इतना बड़ा त्योहार छोड़कर आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, क्या कारण है? जी, दिवाली जैसे हम मनाते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि भाई दिवाली मना रहा है तो हम क्यों मना रहा है। कोई कहता है कि लक्ष्मी का पूजा है, कोई कहता है लक्ष्मी हमें प्रकट होता है, तो हमें आज तक ऐसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम ये करते हुए आए हैं, क्योंकि हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र विधि का ज्ञान बताया तभी हमें इस चीज़ का पता लगा है कि दिवाली क्या होता है और दिवाली का लाभ लेने के लिए हमें गुरु बनाना चाहिए, तब गुरु शास्त्र विधि का ज्ञान बताएंगे, उस अनुसार से हम भक्ति करेंगे तब हमें प्राप्त होगा इस चीज का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी उपस्थित है, तो चलिए जानते हैं उनसे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग उन्हें कैसा लगा। नमस्कार जी। सत साहिब। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण माधव पगारे। सर कहाँ से हैं आप? नासिक महाराष्ट्र से। सर आज यहाँ पे आप क्यों उपस्थित हुए? हम यहाँ बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए। सर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में क्या ज्ञान देते हैं? संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में अपना परमात्मा एक है और वो कबीर साहब है, वो सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर से उसमें आपको अपने को पढ़ा के उसमें का ज्ञान दे के अपना पूर्ण परमात्मा कौन है वो पूर्व सृष्टि को वो बता रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो महिलाओं के प्रति क्या योगदान रहा है? संत रामपाल जी महाराज के महिलाओं के प्रति दहेज देना भी नहीं और लेना भी नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज बताते। पहले दहेज देने के वास्ते लड़कियों को बहुत ससुराल में तकलीफ होती थी, अभी वो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो तकलीफ लड़की को उठानी नहीं पड़ती, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। सर जी, ये सत्संग आपने जो सुना है उसमें आपको क्या ज्ञान मिला? सर इस परमात्मा का सत्संग है, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा है कि मोक्ष का मार्ग है और यह ज्ञान सुनने से आर्थिक शारीरिक मानसिक हर प्रकार के लाभ होते हैं और इस ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपना मोक्ष होगा, मोक्ष का मार्ग है। सर आप कह रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है, तो किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है? सर यह जो है शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान है,
इसलिए मोक्ष का मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के तौर समाज के प्रति क्या योगदान रहा है? संत रामपाल जी महाराज का समाज के प्रति बहुत ही बड़ा योगदान है, जैसे कि नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी कहते हैं कि लड़कियां अभिशाप नहीं है, वो भी उनको जीने का अधिकार है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ना ही दहेज लेना है ना ही देना है। तो मैम अभी हम देख रहे हैं कि सब लोग एकदम धूमधाम से शान से त्यौहार मना रहे हैं, ये दिवाली का त्यौहार, फटाके जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो आप लोग इस त्यौहार को कैसे मनाते हो? हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हर रोज़ दिवाली है, ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार दिवाली मनाई और फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमारे गुरुजी हमको बताते हैं कि हर रोज़ दिवाली मनाओ, और या जगत में सब लोग बताते हैं कि पटाखे जला के दिवाली मनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है और सरकार भी मना कर रही है कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है। अगर आपको दिवाली मनानी है तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि से भक्ति बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, वो सद्भक्ति आप समझो कि वो क्या बता रहे हैं। सद्भक्ति को समझो, सुनो और उसके बाद आप गुरुजी से नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने के बाद आप हर रोज़ सत्संग वो सुनोगे, सब लोग सत्संग सुनोगे, पुस्तक सेवा करोगे, वही हमारी असली दिवाली है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सब शिष्य ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। तो सर आप रिटायर आर्मी इतना मतलब हाई लेवल पर होते हुए भी आपने संत जी से दीक्षा ली, ऐसा क्या ज्ञान है उनका? संत रामपाल जी महाराज आज विश्व में ऐसे गुरु है कि जो वेदों के अनुसार शास्त्र के अनुकूल सतभक्ति बताते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जो उनका ज्ञान में एक विशेषता है, मैं पिछले 30 सालों से ये आध्यात्मिक लाइन में था, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की मैंने, सब कुछ करते करते, लेकिन कहीं भी ऐसा मेरे को बेनिफिट नहीं मिला जो मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मिला। और वास्तविक में बेनिफिट तो मिले ही मिले, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि आज विश्व में किसी के पास भी नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधन बताते हैं। तो सर आपने जैसे कि बोला कि पूर्ण परमात्मा, तो कौन है पूर्ण परमात्मा? जैसे कि वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, जो संत रामपाल जी महाराज वेदों से बताते हैं। वर्तमान में सच्चा सदगुरु कौन है? वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही है जो तत्वदर्शी संत कहलाते हैं। तत्वदर्शी संत वही है जो सारे ग्रंथ पुराण कुरान खोल के बता रहे हैं कि सच्चा भगवान सच्चा मालिक कौन है, जो आपके पिता है, जो संत कबीर जी हम लोग जिनको जानते हैं, जिनको संत कबीरदास के नाम से जानते हैं, वो और कोई नहीं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा है। रेणु जी, आमतौर पर सभी श्रद्धालु ऐसा दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति देते हैं वो भक्ति साधना करने से साधक को सभी प्रकार के लाभ होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। मुझे शारीरिक लाभ हुए हैं, और मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 1.5 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी उसमें, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था और भगवान का पूजा पाठ बहुत भक्ति करती थी, व्रत त्यौहार सब करती थी, पर उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला, मैं मतलब बुक पढ़ी मैंने, उनकी सृष्टि रचना देखी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ गुरुजी के शरण में जाने से मेरा ये रोग ठीक हो सकता है, और भक्तों का अनुभव भी देखा था, तो मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरा मतलब मुझे आराम पड़ने लगा, मेरी दवाइयाँ भी फ़ायदा होने लगी, और मैं आज मतलब पूरी तरह से ठीक हूँ गुरुजी की दया से। विजय जी, आमतौर पर समाज की ये धारणा है कि उनको ये जो मानव जन्म मिला है वो आनंद लेने के लिए मिला हुआ है, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? जी, मैं अपना विचार तो इस प्रकार रखना चाहूँगा कि खुद मैं एक म्यूजिशियन हूँ, और मैं करीब 22 साल तक गुरु कृपा मतलब जो गुरु परंपरा अनुसार शिक्षा विद्या धारण किया है, उसके बाद में मैं टीचर्स भी रहा हूँ गांधर्व विद्यालय से, और मैं उस खोज में था परम शांति की ओर मैं बढ़ रहा था, और उसकी ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि जो शांति का खोज करने के लिए एक संगीत माध्यम बहुत अच्छा है, इस हिसाब से मैं उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन आगे चल के मुझे जैसे सत्संग गुरु जी का प्राप्त हुआ टीवी चैनल्स के माध्यम से, और उसमें जब मैं गुरु जी का सत्संग सुनते गया तो उसमें मुझे कुछ गुरु जी की वाणियाँ याद आ रही है। गुरु जी बता रहे थे एक बार कि नाचे गाए किन न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोई, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। तो काफ़ी मैं इस पर सोचते रह गया कि इस प्रकार की वाणी अगर बोली है तो क्या रहस्य है। तो इस पर मैंने काफ़ी सत्संग सुना, उसके बाद में जो मेरी खोज थी
परम शांति की ओर, और जो हमें मानव जीवन मिला है उस मानव जीवन के आधार पर जो कार्य हमें करना चाहिए उस कार्य को बढ़ाने के लिए गुरुजी का ये दोहा और मुझे पूरा चेंज करके लेके गया, और मैं गुरुजी को सुनते गया और आगे आगे चलते गुरुजी को पूरा ज्ञान समझते हुए मैंने फिर वहाँ से वो मोक्ष का मार्ग नहीं है ये मैं जान चुका था। उसके बाद में फिर मैं गुरुजी की शरण आके गुरुजी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा मानव समाज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससे अपने द्वारा बताई गई कबीर परमेश्वर की सत भक्ति करने से मानव सुखी हो रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी का सत्य ज्ञान प्राप्त करें। मैं विनीत, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।